एमआईएम के भिवंडी शहर अध्यक्ष मोहम्मद खालिद गुड्डू से विशेष तौर पर पावरलूम को लेकर एक खास मुलाकात। आपको बता दें कि जब से पावरलूम भिवंडी शहर में चालू करवाया गया, कई पार्टी दल के लोग, कई राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दिए। विशेष तौर पर भिवंडी शहर के पावरलूम को चालू तो करवाया गया, लेकिन उन मजदूरों को क्या जो ये पावरलूम को चलाते थे। आज वो सारे मजदूर अपने गांव की ओर पलायन कर चुके, अब ये पावरलूम को चालू करने का क्या फायदा। ऐसे में हम आपको बता दें कि भिवंडी शहर एमआईएम के अध्यक्ष खालिद गुड्डू से मुलाकात की गई, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में विशेष तौर पर घर में बैठकर राजनीति करने वाले, घर में बैठकर पत्र व्यवहार करने वाले नेताओं को आड़े हाथ दिया और भिवंडी शहर की जनता को झूठे वादों से, झूठे बातों से गुमराह करने वाले नेताओं को क्या कहा, हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन वहीं पर इस महामारी की संकट यानी कि कोरोना वायरस से किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं, इसको लेकर मोहम्मद खालिद गुड्डू जो कि एमआईएम के भिवंडी शहर अध्यक्ष हैं, जनता से जन जागृति का संदेश दिया और क्या कहा, देखिए इस विशेष एपिसोड को। पावर लूम चालू कराने के लिए इसमें काफी राजनीति की जा रही है, काफी क्रेडिट लेने की बात जो है शहर में चर्चा चल रहा है सर, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे। देखिए इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि परमिशन तो मिला है लूम चलाने के लिए कुछ लोगों की कोशिशें से, मगर अब जो लोगों ने जिस टाइम पे ये पावर लूम चलाने की जो है परमिशन लेना था उस टाइम नहीं लिए, यहाँ के सारे मजदूर ऑलरेडी उत्तर प्रदेश, बिहार, अलग अलग स्टेट के जो है अपना मिनी हिंदुस्तान है भिवंडी शहर, सभी स्टेट के लोग यहाँ आकर नौकरी करते थे, अब वो सब यहाँ से जा चुके। तो जो लोग इस स्टेट के मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करके इन्होंने परमिशन लाए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उदय ठाकरे से रिक्वेस्ट करके अब जो है उनको, जो लोग आपस में लड़ रहे क्रेडिट के लिए, वो लोग जाएं यूपी और यूपी से वो कारीगर को ट्रेन में भर के लाएं पटाके, तब जाके यहाँ पे चलेगा। अब कोई जो लोग परमिशन लाएं या तो फिर उन लोगों को सब लूम लेकर खुद चलाना पड़ेगा। जिस प्रकार से अभी सभी कांग्रेसियों ने सोशल मीडिया पे एक बात कही है कि आम जनता के अकाउंट में 10,000 रुपया सरकार देवे तो उनका भरण पोषण होगा, ये कहां तक की राजनीति सही है इस लॉकडाउन के दौरान में। देखिए मोदी जी तो बहुत कुछ ऐलान करते हैं, वो तो सिर्फ कागज पे रहता है, मिलता किसी को कुछ नहीं है, मगर यहाँ भिवंडी के जो कांग्रेसी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो तो आधे पागल हैं। उनको तो पहली बात चैनल के सामने बोलना क्या चाहिए और बोलते कैसे हैं, ना कोई मालूमात है, ना कोई एजुकेशन है, अंगूठा छाप लोग पद पे बैठे हैं। अरे अभी अभी जो 18-20 लोग विलास पाटिल से पैसा लिए थे, वो पैसा तो पहले गरीबों में अनाज बांट के दिखाते। ये सब जो है मक्कारी है, इनकी मक्कारी शहर की जनता जान चुकी है। तो ये सारे लोग खाली बेवकूफ़ी और बेहूदी बातें कर रहे हैं, ये 10,000 रुपये इनके बोलने से आने वाला है, तो ये सब गलत बात है। सरकार को क्या निर्णय लेना है, क्या फैसला लेना है, वो सरकार को लेना चाहिए, और सरकार सिर्फ कागज़ पे बात कर रही है, ओरिजिनल में किसी को नहीं मिल रहे हैं। सर एक लास्ट सवाल, कोरोना वायरस को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जाए कोरोना वायरस की जो बीमारी है दिन ब दिन बढ़ती हुई जा रही है, भिवंडी शहर में काफ़ी पेशेंट मिल चुके हैं, इसको लेकर जनता से क्या जन जागृति के लिए। मेरी पर्सनल ऐसी नॉलेज है, मैं खुद भी एक हॉस्पिटल चलाता हूँ जिसका नाम BMS हॉस्पिटल है, मेरे भी डॉक्टर तकरीबन 500 डॉक्टर यहाँ से मुंबई तक, क्वालिफाइड डॉक्टर, MD मेडिसिन हो, सर्जन हो, पेडियाट्रिक हो, सभी डॉक्टरों को मैं अच्छी तरह से, बड़े बड़े डॉक्टर, डॉक्टर पाटनकर भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने उन लोगों से बात किया, डॉक्टर यार उंदरे भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोरोना बीमारी जो है जिस तरीके से लोगों के माइंड में डाला गया है उस तरीके से कोरोना बीमारी नहीं है। कोरोना बीमारी जस्ट लाइक टू मलेरिया, मलेरिया जैसी एक बीमारी है जो हिंदुस्तान के हर कोने में हर लोगों को होने वाली, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मगर जो हिसाब से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन पूरे देश में लगा के लोगों को मेंटली डिस्टर्ब, लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या अब हम घर में ही मर जाएंगे, बच्चे बच्चे डरे हुए हैं, मतलब तुम जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिखा रहे हो कोरोना को, उस तरीके से सारा देश डरा हुआ है। मैं इसमें एक अहम बात कहना चाहूँगा, ये ना मोदी में दम है ना शाह में दम है, अगर दम है तो हिंदुस्तान की सिर्फ खाकी वर्दी में दम है, कि आज अगर खाकी वर्दी ना होती तो ये लॉकडाउन कोई नहीं करवा सकता था, सिर्फ यहाँ की जनता अगर किसी की इज्जत करती है तो खाकी वर्दी की करती है, इसलिए लोग उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए अपने
घर में है और घर के बाहर नहीं निकल रहे। ये पूरी क्रेडिट मोदी और शाह को नहीं जाने वाली है, इस देश की खाकी वर्दी को और पुलिस को जाने वाली है। भिवंडी शहर की बात कहें तो अप्रैल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मरीज थे और देखा जाए कि भिवंडी शहर में लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है और आज के डेट में लगभग 173-174 पेशेंट हो गए। भिवंडी शहर के बारे में क्या कहें? देखिए, भिवंडी में कोरोना था ही नहीं, मगर जिस तरीके से लोग मुंबई से, कल्याण से, मुमरा से यहाँ आ रहे हैं, उसी वजह से यह बीमारी फैल रही है। आज भी अगर हमारे DCP साहब भिवंडी के, राजकुमार सिंधे साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे आज ही बात करूंगा, अगर ये सभी बॉर्डर को अच्छे तरीके से सील कर देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आगे क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। मगर कुछ नाके पे ऐसा है जो आ रहा है जा रहा है, उसके वजह से बाहर के लोगों का आना बंद हो जाए, तो ये जितना आज टारगेट है 173 हो या 195 हो, इसके आगे एक भी कोरोना नहीं बढ़ेगा। मगर कहीं सब जगह पे लापरवाही देख रहे हैं आप, तो इसमें मैं उनको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा और वो मेरी बात को सुनेंगे और ऊपर लेवल पे बात करके इसके ऊपर ध्यान देंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ TV News। धन्यवाद।